हेलो मेरे दोस्त यार, कैसे हैं आप सब। नमस्ते भैया, तंदु तो समझते दोस्तों। आज का इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मैजिक क्यूब के अंदर जो बंडल छाए हैं, आप लोगों को कौन सा बंडल लेना चाहिए, कौन सा बंडल उनमें से सबसे ज़्यादा बेहतरीन, सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा उसके बारे में। साथ ही साथ बात करेंगे मिस्टर शॉप 11.0 के बारे में, क्या आप लोगों को मिस्टर शॉप के अंदर इलाइट पास वगैरह देखने के लिए मिलेगा या फिर नहीं, कब तक आप लोगों का मिस्टर शॉप इंडिया के अंदर आएगा, ये सारे चीज़ों के बारे में भी हम लोग यहाँ पर से बात करने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, नेक्स्ट बार का जो इलाइट पास आएगा उसके अंदर प्री ऑर्डर के अंदर आप लोगों को क्या आइटम मिलेगा, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो यार समझ सकते हो वीडियो जो है आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना। बिना किसी देरी के, बिना किसी वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो एंड शुरू करते हैं अपना आज का कार्यक्रम। दोस्तों यार, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बहुत ही फायदे की बात बताना चाहता हूँ, जिसके मदद से आप लोग फ्री में डीजे अलोकन इलाइट पास ले सकते हो। अच्छी बात तो यह है कि इसके लिए आप लोगों को कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देख रखा है, उसको आप लोग क्लिक कर लेना। उसके बाद आप लोगों को इधर आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, ऊपर उसके नीचे आप लोगों को अपना फुल नेम डाल देना है। फुल नंबर दे देने के बाद आप लोगों को नीचे यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड मांगेगा, लेकिन यहाँ पे आपको अपने बैंक अकाउंट नंबर डालने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली आप लोगों को 91 लिखना है, उसके बाद आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। IFSC कोड के जगह पे आप लोग PYTM01234567 डाल देना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने भी डाला। उसके बाद सिंपली आप लोगों का मोबाइल के ऊपर एक OTP आएगा, OTP यहाँ पे डालने के बाद आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपके अकाउंट के अंदर फ्री में 500 रुपया आ जाएंगे, जिनको आप लोग यूज करके डीजे लोग ले सकते हो, इलाइट पास ले सकते हो फ्री में, या फिर फ्री डायमंड भी ले सकते हो। ये एक लिमिटेड टाइम डील है, तो कब ये ऑफर खत्म हो जाए कुछ पता नहीं, जल्दी से जल्दी जाओ, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक देकर रखा है, जो जो स्टेप्स मैंने बताया उसको आप लोग फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए बात करते हैं वीडियो के बारे में। सबसे पहले दोस्तों हम लोग थोड़ा बहुत अपकमिंग इवेंट या फिर अपकमिंग अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि दिसंबर महीने का जो इलाइट पास आएगा उसके अंदर प्री ऑर्डर में आप लोगों को क्या आइटम देखने के लिए मिलेगा इसके बारे में। लेकिन दोस्तों दिसंबर महीने के अंदर आप लोगों को कौन सा इलाइट पास देखने के लिए मिलेगा इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों को दिसंबर महीने का इलाइट पास का रिव्यू वीडियो चाहिए, आप लोग मेरा प्रीवियस वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, वहां पे आप लोगों को इलाइट पास मिल जाएगा। अभी बात कर लेते हैं प्री ऑर्डर के बारे में। दोस्तों इस बार आप लोगों को प्री ऑर्डर के अंदर देखने के लिए मिलेगा एक पैन का स्किन। जी हाँ दोस्तों, एक पैन का स्किन आप लोगों को प्री ऑर्डर के अंदर देखने के लिए मिलेगा दिसंबर महीने में। अगर आप लोग मेरे से पूछोगे कि रश्मिक भाई, क्या हमें दिसंबर महीने का इलाइट पास को प्री ऑर्डर के अंदर लेना चाहिए, क्या ये उर्दिट है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं गाइस, प्री ऑर्डर के अंदर एक बार कोई भी चीज आ गया वो वापस कभी भी नहीं आता है, ये चीज तो आप लोग मेरे से भी बेहतर जानते होंगे। हो सकता है मैजिक क्यूब का पुराना बंडल ये लोग वापस दे दे, हो सकता है इलाइट पास का बंडल को भी लीगेसी रिटर्न के नाम से वापस दे दे, लेकिन प्री ऑर्डर होता है गाइस, प्री ऑर्डर का चीजों को गारंटी का सिंपल सा नियम है, कभी नहीं देना है, ठीक है। तो यार ये चीज को आप लोग अगर लेना है आप लोग ले सकते हो, इसमें आप लोगों का पैसा बर्बाद नहीं होगा गाइस। चले दोस्तों वीडियो के अंदर अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग बात करने वाले हैं बाय वन गेट टू फ्री वाला इवेंट के बारे में। आप लोगों को तो पता होगा ये वाला इवेंट जो है हर 2-3 महीने के अंदर हर एक सर्वर के अंदर वापस किया जाता है, बहुत सारे सर्वर के अंदर। इस बार बाय वन गेट टू फ्री इवेंट के अंदर रैपर वाला बंडल दिया जा रहा है। दोस्तों ये वाला रैपर वाला बंडल बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ है जब ये बंडल आया था, ये बंडल को आप लोग खुद भी देख सकते हो, आप लोग पहचान ही सकते ये वाला बंडल को। आई होप बाय वन गेट टू फ्री इवेंट के अंदर ये वाला बंडल को दिया जा रहा है, मतलब ये काफी सस्ते प्राइसेस के ऊपर आप लोगों को मिलेगा, हड़प लो यार मौका है। मैजिक क्यूब के अंदर आप लोगों को कौन सा बंडल सबसे बेस्ट है, कौन सा बंडल आप लोग लेने पर आप लोगों का मैजिक क्यूब जो है बिल्कुल वेस्ट नहीं जाएगा, पैसा वसूल होने वाला है, कौन सा बंडल, ये तो आप लोगों को बताऊंगा गाइस। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आज के वीडियो का लाइक गेम के बारे में। तो आज आप लोगों के लिए मैंने लाइक गेम रखा है 10,000 लाइक का, देखते हैं गाइस आप लोग कितना जल्दी जल्दी 10,000 लाइक कंप्लीट कर पाते हो हमारे लिए। मैं बहुत ही ज्यादा खुश होऊंगा अगर आप लोग इस वाले वीडियो के अंदर 10,000 लाइक कंप्लीट करवा देते हो। तो मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे बंदे ये बोलोगे कि भाई आपका आवाज इतना ज्यादा चेंज कैसे हो गया अचानक। गाइस मैं एक अलग रूम में वीडियो बना रहा था, कुछ दिक्कतें आए, बच्चे रोने लगे, ठीक है, उसके बाद मैं इस वाले रूम के अंदर आ गया, तो उसका थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप लोग। बच्चे तेरी मार दूंगा मैं, बच्चे तेरी
तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग बात कर लेते हैं मैजिक क्यूब के बंडल्स के बारे में। आप लोगों को पता होगा मैजिक क्यूब के अंदर जो है पुराना बंडल्स थे वो वापस आ चुके हैं गाइस, एंड बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में हैं कौन सा बंडल लेना चाहिए कौन सा बंडल नहीं। मैं आप लोगों के लिए वो काम कर लूंगा, आप लोग ड्रीम इलेवन पे टीम मत बनाना, वीडियो को अच्छी तरीके से देखना एंड अगर मेरा बात सही लगे तो वो वाला बंडल को जाके परचेज कर लेना। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलता है सिल्वर टाइटन वाला बंडल एंड उसके साथ साथ उसका मेल वाला वर्जन जिसका नाम है द कॉलोसस। दोस्तों ये वाला मेल वाला बंडल इसका थोड़ा सा पॉपुलर हुआ था, फीमेल वाला बंडल तो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था जब ये आया था, लेकिन मेल वाला बंडल जब आया था तब लोग इसको बोल रहे थे ये है अपना आयरन मैन का बंडल। तो अगर आप लोग आयरन मैन वगैरह का फैन हो आप लोग इस बंडल को मे भी ले सकते हो, लेकिन इसका चांसेस सबसे आप लोग नीचे रखना क्योंकि गेम के अंदर अपना आयरन मैन ज़्यादा फेमस नहीं है, के अंदर फेमस थे, मैं भी उनका बहुत बड़ा वाला फैन हूं। एंड इधर देख सकते हो आप लोग सिल्वर ईगल वाला बंडल एंड ईगल ऑफ द डस्क बंडल, ये दोनों बंडल बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बंडल है, बोथ मेल का बंडल एंड फीमेल का बंडल इसका दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। अगर आप लोगों के पास बहुत सारे बंडल पहले से है मैजिक क्यूब का तो यार आप लोग इन दोनों बंडल को कंसीडर कर सकते हो, लेकिन ये आप लोगों का पहला चॉइस नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास मैजिक क्यूब के अंदर से कोई भी बंडल नहीं है तो ये सारे बंडल को आप लोग थोड़ा अवॉइड करना, क्रेजी डीजे वाला बंडल को भी आप लोग अवॉइड ही कर लेना, ऐसे बोल देना निकल पहली फुर्सत में निकल, ठीक है। एंड ये बंडल देख सकते हो इसका नाम है बर्सर कर ऐसा कुछ नाम दिया गया है इसका। पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ कौन कौन से बंदे यहाँ पे ब्लैक पैंथर का मूवी देखे हो, अगर देखे होंगे तो उसके अंदर जो आप लोगों को सैनिक वगैरह देखने के लिए मिल रहे थे ना उनका ड्रेस की तरह मेरे को ये वाला बंडल लग रहा है बिल्कुल आदिवासी टाइप का, तो यार बल्कि भी है बहुत ज़्यादा, तो इसको भाई कोई भी बंदा परचेज मत करना नहीं तो आप लोगों का मैजिक क्यूब फालतू में वेस्ट हो जाएगा। तो फिर लेना किसको है, चलो दोस्तों आगे चल के बताता हूँ आप लोगों को कौन सा लेना है। फुल लीदर वाला बंडल दोस्तों आप लोग देख सकते हो, ये वाला बंडल सच बताऊँ तो मेरे को उतना ज़्यादा खास नहीं लगता है, लेकिन ये वाला बंडल अज्जू भाई का बंडल नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। आप लोगों को पता होगा टोटल गेमिंग अपना इंडिया का सबसे बड़ा गेमिंग चैनल आप लोग उनको बोल सकते हो, वो है भी, ठीक है। एंड तो ये बंडल जो है उनके नाम से बहुत ज़्यादा वायरल है, बहुत ज़्यादा फेमस भी है, तो यार अगर आप लोग उनका फैन हो अगर आप लोगों को ये वाला बंडल पसंद है तो ले सकते हो आप लोग बिना किसी दिक्कत के, लेकिन बंडल जो है थोड़ा सा बल्कि है, इसको अगर आप लोग पहनते हो तो यार मूवमेंट वगैरह आप लोग उतना ज़्यादा नहीं दिखा पाओगे, तो यार मेरे ख्याल से तो आप लोग इस वाले बंडल को भी थोड़ा सा स्किप कर लोगे तो सही रहेगा। हंगर स्ट्राइक वाला बंडल भी थोड़ा बहुत अच्छा है, लेकिन इसको आप लोग जरूर से जरूर 100% स्किप मार देना क्योंकि ऐसे बंडल फ्यूचर में भी आप लोगों को बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलने वाला है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक लेजेंडरी एक मस्त वाला फीमेल का बंडल के बारे में जिसका नाम है वायलेट फ्लेम बंडल। अगर आप लोग फीमेल का कोई भी कैरेक्टर लेके खेलना पसंद करते हो क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग फीमेल का कैरेक्टर यूज करके खेलते हैं यार, एंड मूवमेंट स्पीड भी बहुत अच्छा रहता है उनका, तो यार ये वाला बंडल वन ऑफ द बेस्ट बंडल है। मास्क इसका देख सकते हो, इसके आंखों के ऊपर जो पट्टी लगाया गया है ना ये बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ है, ऐसा एक ही बंडल है जिसके अंदर आप लोगों को ये फीचर देखने के लिए मिल रहा है गाइज। इसका जो टी शर्ट है या फिर टॉप है उसके अंदर जो एनिमेशन आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है ये भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, तो ये बंडल को आप लोग कंसिडर कर सकते हो अगर आप लोग फीमेल वाला कोई भी कैरेक्टर यूज करते हो तो। एक एक करके आप लोगों को बहुत सारे बंडल मैंने दिखा दिया, अभी मेरा आप लोगों को फाइनल वर्डिक्ट सुनाता हूँ, ठीक है, फाइनल डिसीजन सुनाता हूँ कि कौन कौन से बंडल है जिसको आप लोग ले सकते हो मैजिक क्यूब दे करके। सबसे पहले आता है दोस्तों टॉप गेमर का बंडल। अगर आप लोगों के पास जोकर का बंडल है, विजिलेंट बंडल है, तो यार आप लोग टॉप गेमर का बंडल को ले सकते हो, बोथ मेल एंड फीमेल का बंडल बहुत ही अच्छे हैं। फीमेल का बंडल मेरे को थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्टिव लगा क्योंकि स्लिम ट्री में मेल का बंडल थोड़ा सा बल्कि लगता है, तो इसको आप लोग ट्राई कर सकते हो। उसके बाद आता है गाइस आप लोगों का बायफोर्स वाला बंडल, ये बंडल भी टॉप 3 बंडल के अंदर जरूर से जरूर आएगा मेरे हिसाब से तो एटलीस्ट, ठीक है। एंड ये बंडल को आप लोग कंसीडर कर सकते हो टॉप 3 बंडल के अंदर आप लोगों का मैजिक क्यूब का या फिर टॉप बंडल जितना भी है इसको आप लोग परचेज कर सकते हो एक बार। इसका फीमेल का वर्जन भी मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, मेल फीमेल बोथ कोई भी बंडल आप लोग ले लेना यार, ठीक है, अगर आप लोगों के पास बहुत ज्यादा मैजिक क्यूब पड़ा है तो। लेकिन आप लोग बोलोगे कि भाई हमारे पास तो इतना ज्यादा मैजिक क्यूब है नहीं, हमारे पास तो 2 ही मैजिक क्यूब है या फिर हम लोग एक ही मैजिक क्यूब को खर्चा करना चाहते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट बंडल हमको बताओ कि कौन सा लेना चाहिए, सीधा बात बताओ, हमको इतना ज्यादा घूमना नहीं है। कभी जोकर बंडल का नाम सुना है? हाँ वही नाइट क्लाउन वाला बंडल गाइज, ये अपना फ्री फायर का सबसे ज्यादा अच्छा सबसे ज्यादा सही वाला बंडल है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। अगर आप लोग फ्यूचर में कभी भी अपना आईटी का जो वैल्यू है उसको बढ़ाना चाहते हो तो यार नाइट क्लाउन वाला बंडल एक मस्ट हैव बंडल है, लेकिन अगर आप लोग गेम प्ले को थोड़ा सा ज्यादा फोकस करते हो तो बंदित वाला बंडल आप लोगों के लिए बेस्ट साबित हो सकता है।
जोकर वाला बंडल का जो क्रेज था लगभग एक साल के पहले बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसके बाद से कोई उतना ज़्यादा यूज नहीं कर रहा था। लेकिन ये जो बंधित वाला बंडल है अभी तक इसको बहुत सारे लोग यूज करते हैं, तो मैंने आज ये बंधित वाला बंडल ले लिया क्योंकि मेरे पास पहले से जोकर वाला बंडल था। तो टॉप दो टू बंडल के अंदर तो आप लोगों का बंधित बंडल एंड जोकर का बंडल आएंगे, उसके बाद आप लोगों का बाइफोर्स वाला बंडल आएगा। वैसे आप लोग कौन सा बंडल लेना चाहते हो, आप लोगों के हिसाब से कौन सा बंडल बेस्ट है इन सारे बंडलों में से, मेरे को आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बता देना। गाइस देखते हैं कौन सा बंडल को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है, तो यार कॉमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। एंड देखता हूँ यार कौन कौन से बंदे का कौन कौन से बंडल फेवरेट बंडल है, यहाँ से पता चल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं अपना मिस्ट्री शॉप इवेंट के बारे में। दोस्तों पूरा इंफॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला हूं मिस्ट्री शॉप 11.0 के बारे में। लेकिन दोस्तों फ्री फायर का सारे के सारे न्यू अपडेट्स इवेंट्स के बारे में हम लोग डेली वीडियो बनाते रहते हैं, तो अगर आप लोगों को जानना है फ्री फायर के अंदर कब क्या आने वाला है, न्यू इवेंट्स क्या आने वाला है इसके बारे में, तो यार इस वाले वीडियो को आप लोग सिंपल से एक लाइक कर देना। अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हो तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लेना, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड वाला बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को पूरा जोर लगा के ऑल पे डाल देना। बस इतना आप लोगों को करना है। चलिए दोस्तों बात करते हैं मिस्ट्री शॉप 11.0 के बारे में। हर एक महीने का गैप के बाद मिस्ट्री शॉप हर एक सर्वर के अंदर आता रहता है, तो इंडियन सर्वर के अंदर इस बार भी आप लोगों को मिस्ट्री शॉप देखने के लिए मिलेगा। एंड उसका जो वर्जन होने वाला है गाइस इस बार का, वो होने वाला है मिस्ट्री शॉप 11.0। इलाइट पास आप लोगों को इसके अंदर देखने के लिए मिल पाएगा या फिर नहीं ये तो कंफर्म नहीं किया गया है दोस्तों, लेकिन बंडल इसके अंदर आप लोगों को कल मैंने दिखाया था, दो बंडल याद है ना FFCS वाले दो बंडल मैंने आप लोगों को दिखाया था, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये दो बंडल्स आप लोगों को मिस्ट्री शॉप इवेंट के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। शायद से इसका कोई गारंटी भी नहीं है, या फिर कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो 100% दावा के साथ नहीं बोल सकता कि यही दो बंडल आप लोगों को मिस्ट्री शॉप के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ ये जो बंडल आप लोग देख रहे हो स्क्रीन के सामने, इस वाले बंडल का भी थोड़ा बहुत चांसेस निकल के आ रहे हैं कि ये बंडल भी आप लोगों को मिस्ट्री शॉप के अंदर देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि ये बंडल भी बिल्कुल नया बंडल है। ये बंडल अभी तक इंडिया में नहीं आया है, बहुत सारे सर्वर के अंदर भी नहीं आया है। अगर गारना वाले ये बंडल को कोई और सर्वर के अंदर कोई अलग इवेंट के अंदर डाल लेते हैं तो यार समझ ही सकते हो मिस्ट्री शॉप के अंदर ये बंडल नहीं आया, लेकिन अगर कोई भी इवेंट के अंदर इसको डाला नहीं जाता है तो मिस्ट्री शॉप के अंदर यही बंडल आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं टुनाइट 12 PM अपडेट के बारे में। तो दोस्तों आज रात के 12 बजे के बाद यहां पे आप लोगों को इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है इमोट सेक्शन के अंदर 50% का डिस्काउंट। दोस्तों इमोट सेक्शन के अंदर आप लोगों को 50% डिस्काउंट तो मिलने ही मिलने वाला है, लेकिन दोस्तों नीचे आप लोग देख सकते हो हमारे चैनल के ऊपर 399 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओगे तो 400 सब्सक्राइबर चुटकी हो जाएगा। सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। बाकी देख ही सकते हो आप लोग सारे के सारे इमोट जो आप लोगों का स्टोर के अंदर अवेलेबल हैं अभी तक, उनके ऊपर आप लोगों को यहां पे 50% का डिस्काउंट देखने के लिए मिल रहा है। तो आप लोगों में से जो भी लोग सोच रहे थे यहां पर से कब 50% का डिस्काउंट आएगा, कब हम लोगों को अच्छा इमोट देखने के लिए मिलेगा, आज आप लोगों को अच्छा इमोट देखने के लिए मिलेगा 50% का डिस्काउंट के ऊपर, तो यार ले लेना इसको। आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट आना वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से खेलते रहो, अपने सारे एनिमीज को मारते रहो, बाय।